फ्रेंड्स, मैं ईशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ये बहुत ही प्यारे राखी लुम्बा सेट। चार तरह के राखी लुम्बा सेट हम यहाँ आज बनाने वाले हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही कुछ अलग और यूनिक हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने मंडालाज और जिनटेंगल आर्ट जो है वो अप्लाई किया है। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है और इसमें हमने किसी भी तरह के स्टिकर्स यूज़ नहीं किए। बहुत सारे लोग स्टिकर से मंडाला स्टिकर से अपनी राखियाँ बना लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथ से ड्रॉ करके मंडालाज और जिन डूडल अपने आर्ट करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे इंटरनेट में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिया हुआ बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लेंगे राखी मोल्ड और अब हम लेंगे ये क्लियर रेजिन। ये रेजिन मैंने ली है, लिटिल बर्डी की रेजिन है मेरे पास। ये टू पार्ट्स में ये आती है, एपॉक्सी आर्ट रेजिन। एक क्लियर होती है और एक हार्डनर होता है। तो क्लियर रेजिन हमें टू पार्ट्स लेनी होती है और हार्डनर हमें वन पार्ट लेना होता है। तो इन दोनों को मैंने लेके अच्छे से मिक्स करके पाँच मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। तो 5 मिनट रेस्ट करने के बाद ये देखिए इसमें से बबल्स जो हैं ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हमारी रेजिन जो है बनकर रेडी हुई है। तो अब हम इस रेजिन को इन मोल्ड्स में डालेंगे। जितनी राखियाँ आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपनी रेजिन रेडी कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 4 सेट बना रही हूँ। तो ये देखिए दोनों कैविटी सेम हैं। तो मैं 8 के 8 मोल्ड्स में जो वो अपनी रेजिन डाल रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसके बबल्स जो हैं ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएं। तो अब हम इसके ऊपर ये अल्कोहल इंक्स अप्लाई करेंगे। ये अल्कोहल इंक्स भी मैंने ली हैं लिटिल बर्डी की इट्सी बिट्सी के ऑनलाइन स्टोर से। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर को पेयर बना के डालेंगे, क्योंकि हम राखी लुम्बा सेट बना रहे हैं तो पेयर हम बनाएंगे ज़रूर से और कोशिश करेंगे कि सारे डिज़ाइन सेम जैसे फील हों। लेकिन मैंने जो स्क्वायर वाली मेरी राखी है उन दोनों में मैं 2 कंट्रास्ट करके मतलब राखी लुम्बा सेट बनाने वाली हूँ। तो एक में मैंने रेड और एक में मैंने ग्रीन डाला है। तो इन कलर्स को हम जो है टूथपिक की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड आप घोल भी सकते हैं इसमें टूथपिक से, जैसे ही देखिए मैंने रेड वाली में घोल दिया है, लेकिन बाकियों में मैं जो है थोड़ा शेप दे रही हूँ। देखिए जैसे इसमें मैं ये सनबर्स्ट जैसा कुछ फील आएगा जब ये बन जाएगी। देखिए इस तरह से फैला रही हूँ और इनमें मैं फ्लावर जैसा शेप दे रही हूँ। तो बनने के बाद बहुत ही अच्छा ये सूख के लगेगा। और अलग अलग तरीके से आप इनको स्प्रेड कर सकते हैं, स्पाइरल कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप इंक को स्प्रेड कर लीजिए। तो अब हम इसको इसी कंडीशन में छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए 6-7 घंटे के लिए। तो ये देखिए 6-7 घंटे के बाद हमारी रेजिन जो है काफ़ी अच्छी सेट हो चुकी है। कम्प्लीटली हार्ड नहीं हुई है लेकिन बहुत अच्छे सेट हो गई है ये। देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आया है इसका, डबल कलर का, येलो और ग्रीन का। इसमें हमने येलो रेड डाला था तो थोड़ा ऑरेंजिश कलर जो है बन गया है। तो हमने 3 सेट जो है हमने सेम कलर के बनाए हैं और एक कंट्रास्ट बनाएंगे। तो अब मेरे पास है ये परमानेंट मार्कर्स, ये अलग अलग कलर्स के आते हैं। मेरे पास यहाँ पर रेड एंड ब्लैक है। फिलहाल मैं ब्लैक से काम करूँगी आज। तो ये मार्कर्स जो हैं परमानेंट इंक वाले हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें और कोई भी मार्कर इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ परमानेंट इंक वाला मार्कर ही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फ्री हैंड मंडाला मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए मैं आपको क्लोजअप करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल फ्री हैंड में मंडाला इसके ऊपर बना रही हूँ। कोई भी स्टिकर, कोई भी बैकग्राउंड में मैं कुछ नहीं रख रही और इस तरह से हम अपने मंडाला ड्रॉ करेंगे। तो सारे जो जितनी भी राखियाँ हैं उनको मैं अलग अलग टेक्निक से बनाऊंगी। ये 2 राखी सेट में बना रही हूँ। ये मंडाला बनाकर एक हम बनाएंगे डॉट मंडाला और एक राखी हम बनाएंगे लाइन आर्ट से, एक राखी हम बनाएंगे जेंडूडल आर्ट से। तो सारा प्रोसीजर ध्यान से देखिए। स्पीड वीडियो की अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो यूट्यूब में जो 3 डॉट्स बने होते हैं वहाँ से जाकर आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कम स्पीड में भी आप ये सारा प्रोसीजर देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मुझे स्पीड इसकी बढ़ानी पड़ी।
तो आप कम स्पीड में आराम से ये वीडियो देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम अपना हाथ से मंडाला ड्रॉ करके भी राखियां बना सकते हैं। मुझे लग रहा है पूरे इंटरनेट में ये पहला वीडियो होगा जिसमें कि हमने हाथ से ड्रॉ करके मंडाला बनाया है, वो भी रेजिन के अंदर, वरना स्टिकर्स वगैरह लगा के भी लोग बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मंडाला वाली राखी मेरी पहली राखी है, बहुत सारी राखियाँ आपको मंडाला राखियाँ मिल जाएंगी इंटरनेट पे, लेकिन वो सारी स्टिकर वाली राखियाँ होती हैं। ये हैंड ड्रॉन मंडालाज हम यहाँ पर बना रहे हैं, हाथ से ड्रॉ करके मंडालाज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अलग अलग तरह के मंडाला डिज़ाइन हम रेडी कर सकते हैं। वो हमने सेंटर से बनाया था मंडाला, क्योंकि हम उसको राखी बनाएंगे, और ये हम लुम्बा बना रहे हैं तो इसको मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, तो क्योंकि वो लटकेगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ये जितनी भी राखियाँ हम बना रहे हैं ना, ये सारी रीयूजेबल हैं। रीयूज़ इसको आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप इसमें आफ्टर राखी की रिंग्स डाल सकते हैं। आप जब भी अपने भाई भाभी को ये राखी बांधें तो साथ साथ में आप दो दो खाली की चेन जरूर उनको गिफ्ट कीजिएगा, ताकि वो राखी के बाद इनको फेंके ना, बल्कि ऊपर से थ्रेड निकाल दें और इसमें की चेन जो है वो डाल लें, तो ये राखी की चेन जो ये राखियाँ हैं वो की चेन बन जाएंगी। और लुम्बा तो बहुत ही ईजिली की चेन का रूप ले लेगा, क्योंकि उसके नीचे जो लटकन है वो तो उसमें चार चांद लगा देगा की चेन में, है ना। तो जो राखियां हैं उसमें भी आप एक साइड पे कीचेन डाल सकते हैं और दूसरी साइड पे एक एक सी शेल वगैरह या एक मोती लटका सकते हैं, या फिर थ्रेड्स का टसल बना के लगा सकते हैं, या कुछ भी और चीज़ नीचे हैंग करवा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जो है आपके कीचेन्स बन जाएंगे। तो ज़रूर से आप अपने भाई भाभी को ये इन राखियों के साथ साथ कीचेन्स ज़रूर से गिफ्ट कीजिएगा। ये राखियाँ आप बनाइए ज़रूर, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरी यूज़र आईडी है hishu.crafty दोनों की। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे इसी hishu.crafty नाम से सर्च कर सकते हैं, और फेसबुक का मेरा पेज है, उसका नाम तो लंबा है, खैर क्राफ्ट डेस्टिनेशन मीन्स हिशु अग्रवाल, लेकिन अगर आप hishu.crafty से मेरा यूज़र नेम है वो सर्च करेंगे तो मैं इजीली आपको मेरा पेज विजिबल होगा, तो उस पेज पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर अपनी राखियाँ बना के मुझे टैग कीजिए, मैं अपनी स्टोरी में उनको शेयर करूँगी। तो ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा डॉट मंडाला वाला पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक मार्कर से। बस इसमें हम छोटे छोटे डॉट लगाते हुए फिर बड़े बड़े डॉट करते जाएंगे, तो वैसा इफेक्ट आएगा जैसा डॉट मंडाला का इफेक्ट होता है। ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है ना। तो इसमें हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये लाइन आर्ट मैं इसमें कर रही हूँ, इल्यूज़न आर्ट एक्चुअली इसे कहते हैं। ये एक तरह से एक माइंड रिलैक्स थेरेपी होती है जो इल्यूज़न आर्ट होता है। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल हों तो इस तरह की थेरेपी आप ज़रूर ले सकते हैं, लाइन आर्ट थेरेपी, या इसको इल्यूज़न आर्ट भी कहते हैं। तो इसका वीडियो में और भी कई वीडियोज़ बने हुए हैं इस पर, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी आपको स्ट्रेस लगे, आप थके हुए हों, बस एक पेपर पेन उठाइए और उस पर ये थेरेपी की तरह इसको करना शुरू कीजिए, तो देखिएगा आप कुछ ही मिनटों में आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। तो आजकल की भागा दौड़ी वाली लाइफ में हमें थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए है, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग तरह से देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर कुछ पीकॉक का डिज़ाइन, मैं फिर से बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पीकॉक का डिज़ाइन। तो ये सारी राखियाँ बनने के बाद हम इनको बिना टच किए छोड़ देंगे, हम इसके ऊपर फिंगर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आधा पौना घंटा हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया था। अब वापस से हम अपने मोल्ड पे आते हैं और इन सभी राखियों को मोल्ड के अंदर दोबारा से सेट कर देंगे। जी हाँ, मैं मोल्ड में डालकर ही इसको दोबारा से बनाऊँगी, ताकि इनके होल्स जो हैं वो बंद ना हो जाएँ। मुझे कईयों ने कहा है कि आप मोल्ड से बाहर निकाल के कर लेते हैं, और हमने आपका देख के वीडियो बनाया था तो हमारे होल्स जो हैं वो बंद हो गए थे। तो होल्स बंद ना हो इसके लिए हम इसको वापस से मोल्ड में रख के फिर से क्लियर रेजिन इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब जो मेन स्टेप है वो ये है
कि इसकी रेजिन को हर कॉर्नर तक पहुंचाना। तो हम इसको बिल्कुल हिला डुला तो सकते ही नहीं है, बस एक टूथपिक लेंगे और रेजिन की जो ऊपर वाली लेयर है बस उसको हल्के हाथ से टच करते हुए इसको जो है हम चारों कॉर्नर्स तक पहुंचा देंगे। तो इसको छोड़ देंगे अब हम 48 आवर के लिए अच्छे से सूखने के लिए। तो ये देखिए 48 आवर्स के बाद जो हमारी राखियाँ हैं बहुत ही अच्छे से सूख गई हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शाइन इसके ऊपर आ गई है। और 3D मंडाला इसका फील हो रहा है, देखिए साइड से भी। खैर कैमरे में इतना विजिबल नहीं है लेकिन हाथ में है मेरे तो मैं देख पा रही हूँ कि कितनी सुंदर लग रही हैं ये। तो चलिए इनको कंप्लीट करते हैं। तो अलग अलग तरह के थ्रेड्स और बीड्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो आपके पास जिस तरह के भी थ्रेड अवेलेबल हों, जिस तरह के भी बीड्स अवेलेबल हों, वो सारे आप यूज़ करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं। टेक्निक्स मैं अलग अलग तरह की शेयर कर रही हूँ, बस वो आप टेक्निक्स पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए कि मैंने कौन सा कलर लिया है या कैसा वाला थ्रेड लिया है। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आपके पास क्या मटेरियल है आप उससे बना रहे हैं, तो बस वही लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से देखिए मैंने पहले एक थ्रेड डाला और उसको गैदरिंग नॉट से मैं ये यहाँ पर टाई कर रही हूँ। ये गैदरिंग नॉट जो है वो अगर आप और अच्छे से डिटेल में देखना और सीखना चाहते हैं तो आप मेरा मैक्रमे वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि गैदरिंग नॉट कैसे आप डाल सकते हैं। वो एक्चुअली मोटे थ्रेड से सिखाया है तो पूरे अच्छे से वो दिख भी पा रहा है कि किस तरह से गैदरिंग नॉट डलती है, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाई है गैदरिंग नॉट। देखिए बस इस तरह से लूप में से नीचे बचा हुआ थ्रेड निकाल देंगे और ऊपर वाले थ्रेड को खींचेंगे तो ये हमारा गांठ जो है इस थ्रेड के अंदर चली जाएगी और एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम बिल्कुल अच्छे से ट्रिम कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत ही नीट ये गैदरिंग नॉट बन के रेडी होती है। तो इसी तरह से अपना दूसरा थ्रेड यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब हम बनाएंगे अपना लूम्बा। तो लूम्बा बनाने के लिए मेरे पास है ये कुछ इस तरह से लटकन। ये लटकन आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं बटन शॉप पे, और नहीं तो आप अलग अलग तरह के इस तरह के मटेरियल्स लेके एक थ्रेड में इनको डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास ये कैप ना हो तो आप पेपर से कैप बना सकते हैं ऐसी। ये क्विलिंग कैप है तो इस तरह की कैप या झुमका आप कैसे बना सकते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या फिर आपके पास कोई वेस्ट झुमकी पड़ी हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और तीन चार तरह के अलग अलग तरह के मोती लीजिए और उनको इस तरह से एक थ्रेड में डालकर ऊपर एक जंप रिंग डाल दीजिए तो बस आपका लटकन रेडी हो गया है। तो सबसे पहले तो हम एक कॉटन का थ्रेड अब लेंगे, ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको डबल कर लेंगे। और ऊपर से देखिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू अप्लाई की है, इसका रीज़न ये है कि अब आगे से एकदम शार्प नीडल जैसा हो गया है। तो नीडल की हेल्प से मैं ये नहीं डाल रही बल्कि डायरेक्ट इसमें ऐसे मोती पड़ जाएंगे क्योंकि आगे से बिल्कुल ये शार्प हो गया है। ये देखिए तो मोती इसमें हमने डाल लिए हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट है जिसको कि हम बैंगल के साथ टाई करते हैं और नीचे हम इसके सिंपली हमारा लूम्बा जो लटकन है वो लटका देंगे। और इसके थ्रेड्स और सुंदर बनाने के लिए आप इसके किनारों पर एक एक टीयर ड्रॉप मोती भी लटका सकते हैं, घुंघरू लगा सकते हैं और फैब्रिक ग्लू के साथ जो बचा हुआ थ्रेड इस तरह से चिपका देंगे तो बहुत ही ये नीट हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के जंप रिंग ना हो तो आप नॉर्मल थ्रेड से भी इसको यहाँ पर जो इसका जिस थ्रेड में हमने ये मोती वगैरह पिरोकर हमने अपना लटकन रेडी किया है उसी थ्रेड को बस यहाँ पर बांध दीजिए तो आपका लूम्बा रेडी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जंप रिंग की हेल्प से ही अटैच करें। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी राखी सेट बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरीके से हम अपने अलग अलग राखियाँ और लूम्बा सेट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने ये वाइट मोतियों की लटकन बनाई है और राखी को हम बिल्कुल उसी तरीके से रेडी कर लेंगे जैसे हमने पहली राखी रेडी की है। और लूम्बा के लिए मैंने ये जरी थ्रेड लिया है इस बार, तो जरी थ्रेड को हम डबल करके इसमें डाल लेंगे पहले। तो देखिए ऊपर के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको हम इस तरह से एक टेप की हेल्प से बंद कर लेंगे ताकि हम इसमें अपना मोती अच्छे से डाल सकें, वरना मोती जरी में डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शायद अभी भी मेरा मोती इसमें ना आ पाए लेकिन ट्राई करते हैं। ये
नहीं, शायद ये मोती इसमें नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका होल काफ़ी छोटा है, तो मैंने ये मोती चेंज कर दिया है। अब इसके दोनों साइड्स के जो एंड्स हैं उनको हम खोल लेंगे, तो इस तरह से ये टसल जैसा रूप ऊपर से इसका बन जाएगा। तो आगे से ये खुले ना, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर के थ्रेड से एक गैदरिंग नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा एंड्स इसके बन गए हैं, टसल्स ये बन गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। तो नीचे इसके हम पहले की तरह अपना जंप रिंग से ये लटकन जो है इसमें लगा देंगे। तो देखिए हमारा दूसरा राखी सेट भी कितना प्यारा बन गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट राखी सेट की तरफ। इसके लिए देखिए मैंने अलग अलग तरह के दो लटकन बनाए हैं, ये मैंने खुद बनाया है लटकन, ये मैंने टसल्स बनाए हैं कॉटन थ्रेड से। ये जो ऑर्डनरी हमारे पास इस तरह के 6 लेयर वाले कॉटन थ्रेड्स होते हैं उनको मैंने कई लेयर में डाला, और ये मार्केट से मैंने लिया था कप, तो उसमें इस तरह से फैब्रिक ग्लू के साथ इसको चिपका दिया है, और ऊपर एक अलग अलग तरह के जो बीड्स हैं वो डाल के मैंने एक जंप रिंग डाल दिया है। और इसमें ये मेरे पास अलग अलग तरह की चीज़ें बची हुई थी तो सारे मैंने अटैच कर दिए हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लटकन बनकर रेडी हो गया है। तो इनको भी हम इसी तरह से जैसे हमने पहले अपनी राखियाँ और लुम्बा बनाए हैं उसी तरीके से बना लेंगे। थ्रेड नॉर्मल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मौली भी होती है वो भी बड़ी अच्छी लगती है, जो हमारे पूजा घर में मौली होती है वो यूज़ कर सकते हैं, कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, सिल्क थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जरी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि कौन सा थ्रेड आप यूज़ करें। तो बस देखिए इस राखी में मैं कुछ मोती डाल दूँगी अपने लुम्बा से मिलते जुलते रेड और वाइट कलर के, तो बहुत ही सुंदर राखी बन जाएगी ये। बस जब भी आप पेयर बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपने लुम्बा में लगाई हैं वही राखी में लगाइए, तभी वो पेयर जैसा लगेगा। मतलब कम से कम अगर आप कलर कॉम्बिनेशन सेम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उसका स्टाइल जो है आप सेम रखिए। जैसे मैंने ये देखिए मंडाला वाली राखियाँ हैं, दोनों अलग अलग कलर की हैं लेकिन उनका मैंने स्टाइल सेम रखा है मंडाला करने का। तो इन चारों सेट्स में से आपका फेवरेट सेट कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए, लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।